नमस्कार, मैं हूं काजल झा, आप मेरे साथ देख रहे हैं बॉलीवुड केसरी। ट्विंकल खन्ना एक ऑथर, एंटरप्रेन्योर, कॉलमनिस्ट, वाइफ होने के साथ साथ एक माँ का भी रोल निभाती हैं। उनका जीवन आम महिलाओं के लिए काफी इंस्पायरिंग है। ट्विंकल जहाँ इतने सारे किरदार एक साथ निभा रही हैं, वहीं ट्विंकल के लिए इन सभी जिम्मेदारियों में से माँ की जिम्मेदारी उन्हें काफी चैलेंजिंग लग रही है। हाल ही में एक कॉलम में ट्विंकल अपने बेटे आरव कुमार को अडल्टहुड में बदलते हुए देखने पर अपनी निराशा व्यक्त की और बताया कि कैसे वह अब बेकार महसूस कर रही हैं, क्योंकि उनके बेटे आरव कुमार को उनके रिश्ते में अब स्पेस और बाउंड्रीज चाहिए। अपने कॉलम में ट्विंकल ने उस पल का जिक्र किया जब उन्हें एहसास हुआ कि उनका बेटा बड़ा हो गया है। दरअसल कॉल पर एक हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी एजेंट ने ट्विंकल से उनके हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी और उनके बेटे के डॉक्टर विजिट के बारे में बातचीत की, जिसके बाद ट्विंकल ने जब उनके बेटे आरव के बारे में एजेंट से पूछना चाहा, उस पर एजेंट ने उनको यह कहकर चुप करा दिया कि आरव एक अडल्ट हैं और उनकी प्राइवेट बातें वो ट्विंकल के साथ नहीं शेयर कर सकते। एक इंडियन फैमिली के हिसाब से बच्चे और पेरेंट्स के बीच में प्राइवेसी और बाउंड्रीज का कंसेप्ट थोड़ा अटपटा लगता है। एजेंट की ये बात सुन ट्विंकल आरव के पास उनके अकाउंट का पासवर्ड मांगने के लिए जाती हैं, जिसके बाद आरव उनको अपना पासवर्ड देने से साफ इनकार कर देते हैं और कहते हैं, मैं आपको अपना पासवर्ड नहीं दे रहा हूँ, मैं 21 साल का हूँ, 12 साल का नहीं, मैं अपनी चीजें खुद संभाल सकता हूँ। बेटे का ये रिएक्शन देख ट्विंकल अक्षय कुमार के पास गई और उनसे ये बात शेयर की। तब अक्षय ने ट्विंकल को उनका सारा ध्यान उनकी छोटी बेटी नतारा और उनके स्कूल होमवर्क पर देने के लिए कहा। उसके बाद ट्विंकल को उनकी माँ डिंपल कपाड़िया ने याद दिलाया और कहा कि कैसे एक रेड कार्पेट इवेंट पर जब डिंपल ने ट्विंकल के बाल ठीक करने की कोशिश की थी, तब ट्विंकल ने उनको ऐसा करने से मना कर दिया था और कहा था, मैं अपना ध्यान खुद रख सकती हूँ। लेकिन आरव के इस बिहेवियर को देख ट्विंकल इससे अभी तक उभर नहीं पाई हैं और उन्होंने कॉलम में आगे लिखा कि वो अब एक अडल्ट की माँ होने के बाद खुद को काफी बेकार महसूस कर रही हैं। धन्यवाद, जुड़ रही ऐसी बॉलीवुड अपडेट्स के लिए बॉलीवुड केसरी के साथ।